दिस इज हुसैन आमिर अब्दुल्लहियान, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, और आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिंस फैजल बिन फरहान अल साउद, ये सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन दोनों मिनिस्टर्स के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों देशों के बीच में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई है, और ये हुई कहाँ पर? बीजिंग, जो चाइना में है, राइट? दैट मींस कि चाइना जो है इन दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको डेवलप करने में डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सबसे पहले तो चलिए हम मैप को देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये पूरा जो मैप आप देख रहे हैं, दिस इज मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को थोड़ा जूम करें तो यहाँ पर हमें सऊदी अरेबिया नाम का देश देखने को मिलता है, रियाद इसका कैपिटल है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, यमन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ओमान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूएई के साथ, फिर दोहा जो कतार का कैपिटल है तो इसके साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये देश है सऊदी अरेबिया। इस तरफ आपको रेड सी नजर आता है, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी यहाँ पर है। ये छोटी सी जो नहर है इसको बाब अल मंदेब कहते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस देख सकते हैं जो ईरान के द्वारा कंट्रोल की जाती है। बात आई है ईरान की तो ईरान को देख लेते हैं। ये रहा ईरान, ईरान का कैपिटल है तेहरान। यहाँ पर जो सी है ये है कैस्पियन सी, और यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, राइट? ज़्यादातर इन देशों का ऑयल जो है वो इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, पर्शियन गल्फ वाले रीजन में, ठीक है? तो ये थी तो मैप की बात। अब दोस्तों, ईरान और सऊदी अरेबिया ने बीजिंग में जो मीटिंग की, इस मीटिंग में दोनों ने ये डिस्कस किया है, ये एग्री किया है कि दोनों जो हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं और ज़्यादा जोर देने वाले हैं। बेसिकली दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को डेवलप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने यह भी तय किया कि अपने अपने कैपिटल्स में दोनों जो हैं वो एम्बेसीज को रीओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर ओपन शब्द नहीं है, रीओपन, यानी कि इससे पहले इन दोनों के दूतावास एक दूसरे के कैपिटल्स में थे, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से, झगड़ों की वजह से ये बंद हो गए। लेकिन अब दोनों ने ये एग्री किया है, चाइना में ये एग्री किया है कि दोनों जो हैं वो एम्बेसीज को रीओपन करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अपने बड़े बड़े दो शहरों में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस भी ओपन करने के बारे में दोनों देशों ने एक डिसीजन जो है वो लिया है। ईरान और सऊदी अरेबिया ने यह भी तय किया है कि दोनों देशों के बीच में जो एयर ट्रैवल नॉर्म्स हैं उनको और ज़्यादा इजी बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो एक दूसरे देशों में जा पाएंगे, राइट? उनको वीज़ा मिलेगा, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ेगा। तो दिस इज़ ए गुड साइन। दोनों देशों के बीच में एक लंबे समय से राइवलरी चल रही थी। ऊपर ऊपर से लोग यही समझते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो इश्यू हैं ये सुन्नी और शिया मुस्लिम्स जो कहते हैं, राइट, इन दोनों के बीच में जो एक प्रकार का एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उसकी वजह से झगड़ा चल रहा है। ये ऊपर सरफेस लेवल की बात है। अगर आप गहराई में जाएंगे देन यू विल ऑलवेज फाइंड कि ये जो झगड़ा इन दोनों के बीच में चल रहा था, या फिर जो राइवलरी थी, ये सबसे पहले तो इकोनॉमिक राइवलरी थी। इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो फिर उतना ही ज़्यादा आपका डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। डिफेंस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो पूरे एरिया में और ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो इनके रूट्स में अगर आप जाएं तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिफेंस, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सरफेस लेवल पर लोगों को यही लगता है कि ये सुन्नी और शिया के बीच में इश्यूज चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी है लेकिन इट्स नॉट द मेन रीज़न। दोनों देशों के बीच में पिछले 7 सालों से डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रहे थे, लेकिन अब 2023 में रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि मित्रता जो है वो बढ़ रही है। आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड मित्रता, आई वुड रादर यूज़ द वर्ड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के मित्र देश हो जाए, लेकिन अभी तो प्रोफेशनल रिलेशंस जो हैं यही डेवलप हो रहे हैं। इसकी वजह से ये होगा कि मिडल ईस्ट रीजन में, जिसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, राइट, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट एशिया शब्द जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इस क्षेत्र को मिडल ईस्ट कहता है। तो ये जो मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया है, तो इसमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो अब बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मेजर राइवल्स जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इन दोनों की राइवलरी की वजह से यमन नाम का जो एक देश है, इस देश में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गए, राइट? करोड़ों लोग ऐसे हैं
यमन में जिनको मदद की ज़रूरत है, बिकॉज ये दोनों देश जो हैं वो प्रॉक्सी वॉर में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं इन दिस कंट्री कॉल्ड यमन। और चाइनीज डिप्लोमेसी की बात करें तो चाइना की एक प्रकार की बहुत ही बड़ी जीत है इस क्षेत्र में, क्योंकि दो बड़े राइवल्स को टेबल पर लाना और वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए और आगे बढ़े, और ऐसा अगर कोई देश करवा सकता है तो उसकी ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक जीत ही मानी जाती है। अफसोस की बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जिनके रिलेशनशिप इन दोनों देशों के साथ एक लंबे समय से रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भारत अब जो है वो धीरे धीरे अमेरिकन रूट को फॉलो कर रहा है। और अमेरिकन डिप्लोमेसी की बात करें तो अमेरिका का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कम होता नज़र आ रहा है। अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अपने आप को इस क्षेत्र से विड्रॉ कर रहा है, और इससे पहले भी एक डिस्कशन जो है वो हमने इस क्षेत्र के बारे में की थी पिछले महीने दोनों देशों के बीच में जो एक मीटिंग हुई उसका एक थ्रो एनालिसिस मैंने किया था। अगर उस वीडियो को देखना है तो क्लिक द लिंक हियर, आपको वो सारी डिटेल्स जो हैं वो इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका फीडबैक जो है वो बहुत मैटर करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।